आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर शत प्रतिशत मतदान करने को लेकर दुर्ग नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारियों ने मतदाता जागरूकता रैली निकाली, जिसमें उपस्थित जिला प्रशासन से एडीएम, निगम आयुक्त, तहसीलदार व निगम कर्मचारियों ने भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखने का संकल्प लेकर शपथ ली। लोकसभा निर्वाचन 2024 के लिए शत प्रतिशत मतदान करने के लिए कलेक्टर व निर्वाचन अधिकारी सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी के निर्देश पर दुर्ग नगर निगम के अधिकारी कर्मचारियों ने मतदाताओं को प्रोत्साहित करने मतदाता जागरूकता रैली निकाली। इस मौके पर जिला प्रशासन, एडीएम अरविंद एक्का एवं नगर निगम आयुक्त लोकेश चंद्राकर, तहसीलदार प्रफुल्ल गुप्ता द्वारा निगम अधिकारी व कर्मचारियों को संकल्प लेते हुए शपथ भी दिलाई गई कि हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हैं। ये शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा अक्षुण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इस मौके पर अधिकारी कर्मचारियों ने रैली के दौरान अपने हाथों में तख्ती पकड़कर मतदाताओं को जागरूक किया और नारे भी लगाए। लोकतंत्र में, लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए, अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए ये शपथ लेते हैं, ये शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की, अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की, लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को, मर्यादा को बनाए रखेंगे, बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, स्वतंत्र, निष्पक्ष, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन, एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा, की गरिमा अक्षुण। हमारे आस पड़ोस के लोगों को भी इसके लिए हमको जागरूक करना है कि किसी भी स्थिति में कोई भी मतदाता न छूटे, हर मतदाता मतदान केंद्र तक पहुंचे और अपने मताधिकार का प्रयोग करे। सबसे ज़्यादा महिलाओं के साथ दिक्कत होती है, वो अन्य गतिविधियों में लग जाती हैं, बच्चे के लिए खाना बनाना है, पति के लिए रोटी बनानी है, फिर उसके बाद और भी उनके साफ सफाई का काम रहता है। तो आप लोग से खास अनुरोध रहेगा कि सुबह जल्दी समय निकाल के आप लोग मतदान कर लें, उसके बाद घर का काम निपटा। व्यू 2 कार्यालय से मतदाता जागरूकता रैली निकाल कर गांधी प्रतिमा से होती हुई न्यू बस स्टैंड होकर चर्च के सामने रविशंकर स्टेडियम में रैली पहुंची, जहां वाहनों को एकत्र कर स्वीप अक्षर का आकार देकर वाहनों से बनाया गया। शहर की प्रमुख सड़कों से निकली रैली का उद्देश्य आम नागरिकों को मतदान के प्रति जागरूक करना था और साथ ही शत प्रतिशत मतदान करने के लिए प्रेरित करना था। मतदान के प्रति अपनी आस्था रखते हुए मताधिकार का निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण उपयोग करने के उद्देश्य से मतदाता जागरूकता अभियान कार्यक्रम के तहत अपने मताधिकार का निश्चित रूप से उपयोग करने एवं हर वर्ग के लोगों को मतदान करने के लिए प्रेरित करने का उद्देश्य और शपथ दिलाई गई। इस संबंध में एडीएम अरविंद इक्का एवं नगर निगम आयुक्त लोकेश चंद्राकर ने प्रतिक्रिया दी। स्वीप के तहत मतदाता जागरूकता के लिए रैली निकाली गई है और लगातार यही प्रयास है कि दुर्ग शहर के जितने नागरिक हैं वो शत प्रतिशत मतदान करें और ये संदेश उन तक पहुँचे कि सारे काम छोड़ के सबसे पहले हमको वोट डालने जाना है। और इसीलिए आज हमारे सारे अधिकारी और कर्मचारी भरी दोपहरी में रैली निकाल के लोगों तक संदेश पहुंचाने का प्रयास किया गया। मई को मतदान दिवस है लोकसभा निर्वाचन 2024 के लिए और उसके लिए मतदाता जागरूकता के लिए आज नगर निगम की पूरी टीम अपने पूरे कर्मचारियों के साथ आज रैली निकाली थी मतदाता जागरूकता का। और इसमें हम यह संदेश देना चाहते हैं कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी लोकतंत्र में मतदान करना है, एक आम नागरिक होने के कारण तो सबको अपनी जिम्मेदारी के तहत 7 मई को मतदान के लिए अवश्य निकलना है, अवश्य रूप से मतदान देना है। इसी उद्देश्य को लेकर आज मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई थी। हाँ, पूरे जिले भर में ये चल रहा है लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत, लेकिन आज दुर्ग शहर विधानसभा के अंतर्गत यह रैली का आयोजन किया गया था। ACN न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।